Hey guys, welcome back to another video and welcome to another episode of Pearl World. तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बनाया था पर्ल स्पेयर का ऑटोमेटिक फार्म जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और आज हम लोग बनाने वाले हैं मेटल का ऑटोमेटिक फार्म क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेटल इंगोट की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है इसलिए हम लोग बनाने वाले हैं एक मेटल फार्म और भाई वो ना थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाना लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि वो आगे की एडवेंचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारी तो आज हम लोग बनाने वाले एक मजेदार मेटल का ऑटोमेटिक फार्म फिर हमें मेटल की हार्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बार बार ओर के पास जाते हैं हम लोग वो नहीं जाना पड़ेगा तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करते हैं मजा एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर ना आप लोग सब्सक्राइब करें अपना गोल है 1000 सब्सक्राइबर का तो फटाक से आगे सब्सक्राइब कर लेना लाइक एम है 60 लाइक्स का मुझे पता है आप लोग कर दोगे तो फटाक से आगे लाइक भी कर देना तो स्टार्ट करते हैं मजा एपिसोड को लेट्स गो गाइस तो गाइस सबसे पहले हमें वो पर्ल्स चाहिए होंगे जो मेटल और अच्छी तरीके से हार्वेस्ट करते हैं जैसे कि अपना रूसो है जो कि बहुत अच्छी तरीके से हार्वेस्ट करता है देखो इधर पर्ल स्पेयर डले रहते हैं भाई और ये अच्छी बात ये कलेक्ट करके देते रहते हैं तो हाँ अपन लोगों को कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है अभी अपन लोग एक एग हैच करने वाले हैं देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा यार एक फॉक्स निकला चलो फॉक्स भी अच्छी बात है बाकी मैं एक और अंडा लगा देता हूँ हैच होने पर फिर आप लोग यहाँ से चलेंगे क्योंकि अपन लोगों को एक दूसरी जगह पर जानी होगा क्योंकि आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोग एक जगह गए थे वहाँ ना बहुत सारे ओर हैं और वहीं पे हम लोग अपना नया फार्म बनाने वाले हैं कि यहाँ पे ओर है ही नहीं भाई बहुत दूर जाना पड़ता है और इतनी मजदूरी कौन करेगा बाकी इधर एक बीट का फार्म बन गया वो बीट का फार्म बोलो आप फार्म ही बोलेंगे इसको क्योंकि ये खेती हो रही है इधर बीट की और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि पता है ये ब्रीडिंग में हेल्प करेगा जो कि मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा भाई हम लोग इनका अलग फ्यूज़न बना सकते हैं मतलब समझ रहे हो मैं इसको और इसको फ्यूज़ कर दूंगा तो क्या ही कमाल का पर्ल बनेगा जो कि हम लोग 2-3 एपिसोड के अंदर करने वाले हैं क्योंकि भाई तभी तो असली पर्ल्स निकलेंगे तो गाइस अभी चलो यहां से चलते हैं नाइट विंग पे बैठ के चलते हैं भाई नाइट विंग की सवारी करने में अलग ही मज़ा आता है भाई है ना मस्त है भाई इसकी सवारी करने में बट ना मेरे को ना वुल्फ अभी भी अच्छा लगता है तो भाई अपन लोगों को जाना है मैं आप लोगों को बताता हूँ हमें जाना है ब्रिज के इधर ठीक है हमें जाना है यहाँ जाना है हमें तो चलो यहाँ चलते हैं वैसे मैं आप लोग चलते हैं गाइस टेलीपोर्ट करके चलते हैं क्योंकि अपना टाइम बचेगा और अपन लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है तो फटाक से चलते हैं भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बार ना अगर अपना मेटल का फार्म बन जाएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा भाई बिना मेटल के प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है इसलिए अपन लोगों को और ये वहाँ पर एक जाके पाल बॉक्स भी बनाना पड़ेगा यहाँ चलते हैं और यहाँ से अपन लोग चलेंगे है ना और अपन लोगों को बॉस फाइट भी करनी है एक आज बॉस फाइट करेंगे क्योंकि भाई बिना बॉस फाइट के ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है अपने पास जो एंशियंट टेक्नोलॉजी होती है तो अगर आप ये देखोगे नीचे तो एक ना एक है टेक्नोलॉजी पॉइंट एक है एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट तो ये बॉस को मारने के बाद मिलते हैं तो आज हम लोगों को एक बॉस फाइट भी करनी है जो कि कम लेवल का होगा उसे मारेंगे वैसे मेरा प्लान है मेहमत को टीम करने का और उसको हम लोग लाइव स्ट्रीम में टीम करेंगे तो हाँ भाई अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो फिर हाँ उसमें ही हम उसको टीम करने वाले हैं फिलहाल मैं ना अपनी वुल्फ को निकालता हूँ भाई वुल्फ बेस्ट है भाई मेरे को ट्रैवल करने के लिए अभी तो वुल्फ से बढ़िया कोई नहीं लगा बाकी अपन लोग पहुँचने वाले हैं ना हमें जाना है इस ब्रिज से फिर हमें यहाँ जाना है चलो भाई देखते हैं जल्दी से चलते हैं गाइस वहाँ पे भाई फिर बनाएंगे अपन लोग मेटल का फार्म पैसे मेरे को चाहिए की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले मेरे को वहाँ पे जाकर पाल बॉक्स बनाना है और आई थिंक अपने पास सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग पाल बॉक्स बना सकते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ से निकलते हैं यहाँ पे विक्सीज मिले थे अगर आप लोगों को लास्ट एपिसोड याद है भाई कमाल गेम विक्सी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि भाई अब पाल स्पेयर की कमी नहीं होती भाई जाओ उनके पास और वो पाल स्पेयर दे देते हैं भाई ये सही है भाई क्योंकि फिर पाल स्पेयर बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है हाँ भाई वही है मेटल की ओर वाली जगह एक मिनट अपन लोग इससे उतरते हैं और अपने फ्लायर को बुलाते हैं भाई किधर है अपना फ्लायर ये हुई ना बात यही तो फायदा है भाई फ्लायर का कहीं भी उड़ के चले जाओ फ्लायर ओके गाइस अभी चलते हैं उड़ के भाई नाइट विंग पे भाई नाइट विंग मस्त है थोड़ा स्लो है भाई मेरे को एक और अच्छा फ्लायर चाहिए जिसकी स्पीड भी अच्छी हो है ना चलो भाई नीचे आ जाओ फुटक 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 नीचे पहुंच जाते हैं अभी ना यहाँ पे अपन लोग फार्म बनाने वाले हैं फार्म बनाना बहुत सिंपल है ज़्यादा मुश्किल है नहीं बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे पर्ल्स लेके आने पड़ेंगे जो इन ओस को हार्वेस्ट करेंगे ठीक है सबसे पहले मुझे बनाना है एक पर्ल बॉक्स और सबसे पहले एक पर्ल बॉक्स बना सकते हैं अपन लोग एक मिनट हीरा पर्ल बॉक्स यहाँ भाई मेरे को सारी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी हे भगवान यार भाई देखो भाई कहाँ रखे हैं लोगों ने यार मैं यहाँ से जा रहा था भाई पता नहीं अगर मैं इधर नहीं आता तो कभी मिलता ही नहीं भाई वाह यार ये लोग कहाँ कहीं भी रख देते भाई है ना एक मिनट वहाँ पर भी मेरे को एक और नज़र आ रहा है चलो गाइस भाई यहाँ आने का फ़ायदा हो गया पता है यहाँ से मैं टेलीपोर्टर यूज़ करने वाला था
भाई लेकिन आने का फायदा हो गया, दो मिल गए। अब अपन लोग अपनी एबिलिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं भाई, ये मस्त है भाई, ये अच्छा हुआ गाइस, मज़ा आ गया भाई। चलो इसको जल्दी से पिक करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं। अरे यार मेरे को अब उल्टा जाना पड़ेगा, मेरे को फ्लायर निकालना पड़ेगा, इधर जाना था मेरे को। अरे भाई यार पूरा घूम के जाना पड़ेगा। ये कौन है? रूसो, रूसो कैसे हो भाई? रसौर, रसरौर नाम अच्छा है भाई, मज़ेदार नाम है, थोड़ा लेने में प्रॉब्लम होती है बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इनका लेवल बहुत कम है यार, लेवल अच्छा होता तो मैं पक्का इन्हें टीम करता, इनको मस्त अपनी टीम में लेते, बट भाई लेवल कम है। तो गाइस 2 मिनट देना, अभी घर पे जाना है। और इस बार मैं क्या करूँगा, पाल भी ले आऊँगा, जो पाल हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए हमें। तो गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में। A few inches later. तो गाइस मैं इनको लेके जाने वाला हूँ अपने रसरौर और अपना टॉम्बैट। और पता है टॉम्बैट बहुत अच्छा है, मैं 2-3 टॉम्बैट और टेम करने वाला हूँ क्योंकि इनके बिना नहीं हो पाएगा। तो अब इनकी सेडल भी बनानी पड़ेगी मेरे को। अरे इधर नहीं भाई, इधर आती है भाई सेडल। चलो अपन लोगों को सेडल बनानी है, मैं 3-2 और बनानी है मेरे को, तो 2 बना लेते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। और अपन लोगों को एक पाल बॉक्स बनाना है, तो पाल बॉक्स भी बना लेते हैं भाई। इसकी सेटअप बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा बट पता है ये वाले पाल बहुत अच्छा है भाई, इसका तो हैंडवर्क बहुत अच्छा है, तो हैंडवर्क +2 है। तो हैंडवर्क का मतलब यही है भाई, चीज़ों बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए ये काफ़ी मैं एक रखता हूँ भाई, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए कोई तो होना चाहिए, वरना मेरे को खुद ही करना पड़ता है। चलो जल्दी से 2 बना लेते हैं और एक टॉम्बैट के लिए भी बनाना है, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। और अपना आज ना मेटल फार्म बहुत तगड़ा होने वाला है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई सच्ची में अपने लोगों को मेटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड मेटल फार्म बनने के बाद अपना एक काम हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद अपन लोग बेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं बेस नहीं बनाने वाला क्योंकि छोटी जगह है भाई, ये तो इतनी बड़ी जगह है नहीं कि एक प्रॉपर बेस बना सकें अपन लोग। ओके गाइस तो फाइनली सैडल हो गई है तैयार, उठाते हैं सैडल को और मेरे को टॉम्बैट का देखना है भाई टॉम्बैट। अरे यार आग लग गई भाई, कोई तो बचा लो मेरे को, कोई नहीं बचा रहा भाई, पानी वाले भाई, पानी वाले, पानी पानी पानी, अरे भाई मेरे पे पानी डाल दे भाई, कितना गंदा है भाई, कितना गंदा इंसान है यार, कोई है पानी वाला और कोई, ये तो पानी नहीं डाल रहा। चलो भाई बच गए यार मेरे, यार पल्स मेरी मदद करते ही नहीं है, मैं क्या करूँ भाई। एक बार मैं टॉम्बैट का देखना पड़ेगा गाइस, क्या हम लोग टॉम्बैट का बना सकते हैं या नहीं। टॉम्बैट का अगर अपन लोग बना सकते हैं तो वो अच्छे से हार्वेस्ट करेगा भाई, वो मस्त है गाइस। पता है टॉम्बैट के लिए कोई सेडल ही नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता कोई टॉम्बैट के लिए सेडल है, क्योंकि देखो इस पर ऑप्शन ही नहीं आता, इस पर सिर्फ अल्ट्रासोनिक का ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता इसकी सैडल है। तो भाई ये सही है भाई, सैडल बनाने की भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ से चलते हैं और एक पाल बॉक्स के लिए सामान ले लेते हैं, क्योंकि अपने लोगों को थोड़ा वुड वगैरह चाहिए होगा। मैं थोड़ी सी सामान ले लेता हूँ फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि बार बार सामान के लिए आना पड़ेगा अच्छी बात नहीं है भाई। A few inches later. Guys, तो अभी हो रही है रात और मैं आया हूँ हंटिंग पे, और हंटिंग किसकी करने भाई, टॉम्बैट की। और ये मेरे को दर्द रहा है भाई, देखो इसको हम लोग अकेले नहीं हरा पाएंगे, तो ऑब्वियस है इसको बुला लेते हैं और इसकी पिटाई लगाते हैं भाई, टॉम्बैट मिल जाएगा। वैसे मेरे को टॉम्बैट की जरूरत है, तो हाँ भाई अपने पास एक ही टॉम्बैट है, 2-3 टॉम्बैट आ जाएंगे तो काफी आसान रहेगा। 1, 2, 3 लेट्स गो भाई साहब, बचा लेना डायर हाउल भाई, डायर हाउल इसको बहुत जल्दी मार देगा मेरे को पता है भाई, इसलिए मेरे को डायर हाउल से इसको बचाना है ठीक है भाई। मेरे को पता है डायर हाउल बहुत जल्दी मार देगा, मैंने कहा था नहीं 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 भाई, बस 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 33-31%, अब मेरे को इसको क्लोज जाना बस भाई, प्लीज आ जा 52% गाइस। एक और भाई मैं 2-3 टॉम्बैट और कैच कर लूँगा, क्योंकि पता है रोज रोज से ज़्यादा अच्छे हैं भाई टॉम्बैट तो। टॉम और पता है अच्छी बात क्या है, ये रात में भी काम करेंगे तो ये सोएंगे ही नहीं भाई, ये सबसे अच्छी कमाल की बात है भाई, इसलिए ये बेस्ट है भाई। मेरे को 1-2 और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, फिर अपना जो ऑटोमेटिक मेटल का फार्म है ना वो इतना खतरनाक बनेगा, मज़ा आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी अभी घर पर चलते हैं क्योंकि रात हो गई है। रात क्या भाई, अभी ढूंढ लेते हैं भाई टॉम्बैट है ना, रात में ढूंढ लेते हैं भाई, यही सही है वरना अपने लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाँ मैं टॉम्बैट गाइस थोड़े से ढूंढ लेता हूँ, खाना भी ले लेता हूँ क्योंकि भाई क्योंकि फाइट वगैरह करेंगे तो खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। चलो ढूंढते हैं टॉम्बैट, अगर मिलते हैं तो ठीक है। और भाई ये इनके ना मेटल माइनिंग लेवल 2 है, और जो रोस्ट्रो होते हैं उनकी लेवल माइनिंग 1 होती है, तो हाँ ये उनसे अच्छे हैं भाई। और अभी पता है आगे जो पल आने वाले हैं वो हाई लेवल के आएंगे, बट उनकी माइनिंग भी अच्छी होगी, और भाई बहुत कमाल कमाल के पल आने वाले हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो भाई, जो कमाल कमाल के पल आने वाले हैं ना भाई। ये क्या, ओ एरो है, नाइस भाई, मज़ा आ जाएगा गाइस। ओ भाई सामने है भाई, इसको लेना पड़ेगा, वैसे मेरे पास कोई फ्लायर नहीं है, यहाँ से जंप करके जा नहीं पाएंगे, वैसे जा सकते हैं गाइस, 1 मिनट देना जा सकते हैं। 1, 2, 3 कोई नहीं, बस पहुँच के अब मैं यहाँ खुश चढ़ के चले जाऊँगा भाई, देखो कैसे चढ़ के जाऊँगा। ओके तो फाइनली अपन लोग ऊपर आ गए, इसको उठाते हैं भाई, ये सही है भाई, इसकी इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उधर क्या है भाई, उधर कुछ तो कमाल का लग रहा है,
फिलहाल ओहो मेरे को एक और दिखा भाई, पता है इसीलिए मैं ग्रैपलिंग हुक बनाने वाला हूँ। एक बॉस फाइट करके अपन लोग ग्रैपलिंग हुक बना लेंगे, क्योंकि फिर अपन लोग लटक लटक के कहीं भी चले जाएंगे भाई, वो सही है। और टॉम्बेट ढूंढने पड़ेंगे गाइस, टॉम्बेट आई थिंक इधर मिल जाने चाहिए। ओके गाइस, तो ये गुफा है जिसमें मैं अभी तो नहीं जाने वाला, लेकिन आप लोग बाद में कभी जाएंगे। फिलहाल मैं टॉम्बेट ढूंढ रहा हूँ भाई, एक टॉम्बेट और मिल जाए मज़ा आ जाएगा। वैसे एक विक्सी है, विक्सी को कैची कर लेते हैं, 16% विक्सी, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। अरे यार विक्सी, वाई यू स्टैंड अप विक्सी, 100%, चलो इसको तो कैच कर लिया। अभी ये टॉम्बेट मिल जाए तो मज़ा आएगा गाइस। बाकी विक्सी तो अपन लोगों को मिल गई है, विक्सी अच्छी है भाई, विक्सी मेरे को काफ़ी से अच्छी लगे, क्योंकि विक्सी अपन लोगों को पालस पे देते रहते हैं, तो फिर इजीली मस्त किसी को भी टीम करो। ये कौन सो रहा है? अरे भाई यार क्या मस्त जगह पे सो रहे हैं भाई। चलो टॉमबेट को ढूंढते हैं, देखते हैं टॉमबेट कहाँ मिलेंगे अपन लोगों को। गाइस मेरे को एक और टॉमबेट मिला है, चलो इसको भी पकड़ते हैं भाई। सही है भाई, अब अपने पास तीन हो जाएंगे, तो हाँ इसको तो मैं जरूर मार लूंगा भाई, इसको टीम करेंगे। डायर राहुल यार हेल्प करो भाई, डायर राहुल भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया अपना। अरे भाई यार इसका थोड़ी सी हेल्थ कम हो जाए बस, उसके बाद भाई क्या कर रहा है भाई डायर राहुल। मेरे को ऐसे ही कैच करना पड़ेगा, मेरा डायर राहुल ना पता नहीं आज क्या हो गया उसको, ऐसा लग रहा है नींद में भाई अभी। भाई मार मत देना डायर राहुल, इसको अंदर ही कर ले रहा हूँ, पता चले ये मार ही देगा भाई। मैं ही कैच कर लूँगा भाई, 1 मिनट दे रहा। यस मैंने कहा था मैं ही कैच कर लूँगा, 50% हो गया बस भाई, एक नहीं तो दूसरे में तो आ ही जाओगे सर। कितना टाइम लगाओगे? 78, 85। यस यस कमन कमन, अपने पास पर्ल स्पेयर की कमी नहीं है भाई, अजो अजो भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है भाई। चलो चलो चलो, 1 2 3 डन। मैंने कहा था अभी अभी मज़ा आएगा गाइस, अभी मेटल का फॉर्म बनाने में मज़ा आएगा। अभी घर पे चलते हैं, घर पे क्यों जाना अब चलो गाइस डायरेक्ट ही चलते हैं भाई, अब घर पे नहीं जाना। अभी आप लोग चलते हैं अपनी लोकेशन पे और फॉर्म बनाते हैं, और सुबह भी हो गई है भाई, रात में बड़ी मेहनत की भाई। आई थिंक अब सुबह शाम जल्दी नहीं हो रही गाइस। अ फ्यू इंचेस लेटर। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग अपनी लोकेशन पे आ गए। सबसे पहले ना मेरे को बनाना है एक पाल बॉक्स, और उसके बाद अपन लोगों को बनाना है एक वुडन चेस्ट, वुडन चेस्ट भी बना लेते हैं। इसी के बगल में एक पाल बॉक्स, पाल डेक्स, पाल बॉक्स, हाँ पाल बॉक्स ही बनाना है अपने को। यहाँ पे अभी कोई नहीं है तो अपने को खुद ही काम करना पड़ेगा, और इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जल्दी से चलो ये तो बन गया, अभी जल्दी से पाल बॉक्स भी बना देते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और पाल बॉक्स मैं इसके जस्ट बगल में बनाऊंगा, डन। तो भाई अपना ये पाल बॉक्स यहाँ बनेगा और अपना चेस्ट यहाँ बनेगा। अभी ना अभी सिंपल कुछ नहीं करना, अपने जो पर्ल्स है ना वो यहाँ डाल देना, ठीक है? अच्छी बात ये है मेरे को इसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सारे के सारे पर्ल भाई आ गए। ये भाई गेम स्मार्ट तो है भाई, टू बी ऑनेस्ट। अब इनके लिए खाने रहने खाने पीने की रहने की ये सारी चीज़ें बनानी है अपने को भाई। यार इनके लिए मेरे को चलो कोई नहीं, अभी अपने आप काम करेंगे। देखो भाई भाई अपने आप काम कर रहे हैं, देख रहे हो? अभी ये ओ तोड़ेंगे भाई, अभी ये ओ तोड़ेंगे गाइस, ओ तोड़ के दिखा दो भाई। एक रूस और ऐसा नहीं है जो ओके, इसने तो ओ तोड़ना स्टार्ट भी कर दिया भाई, नाइस भाई। ये लकड़ी भी तोड़ रहे हैं, ये अच्छा है भाई। मेरे को एक रूस और भाई, आई थिंक इनको अभी ना मैंने वो नहीं दिया भाई, अच्छा बेड नहीं है इधर कोई, तो बेड अभी मैं बना दूंगा, फिक्र ना करो बच्चों। अभी ना मैंने इनको सैडल नहीं बनाई है ना, ये बिना सैडल के हैं इसलिए ये ड्रामे कर रहे हैं भाई। इधर आइयो, इधर आओ, इधर आ भाई, इधर आ भाई, तेरे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, इधर आ, इधर काम पे लगी हो, काम ही नहीं करना, काम कर नहीं। ओके भाई ओ तोड़ा स्टार्ट कर दिया भाई, मैं तो इन्हीं को लेके आ रहा हूँ टॉम्बेट को भाई, यही बढ़िया है ठीक है। इनको मेरे अकॉर्डिंग मेरे को सेडल बनानी पड़ेगी, मैंने सेडल बनाई तो थी एक, हाँ ये 17 लेवल है भाई, इसके पास सेडल है तो एक मैं भाई, तेरे पास सेडल है तो ड्रामे क्यों कर रहा है भाई। आई थिंक मेरे को एक बेल यहाँ पे भी बनानी चाहिए भाई, बेल से क्या फ़ायदा होता है कि ये हमारी बात सुनते हैं और अपने अपना काम करते हैं चुपचाप, तो मैं ना बेल यहीं पे बना देता हूँ इसके बगल में, ताकि मेरे को ड्रामे ना हो। और बेल बनाने के बाद आई थिंक ये अपने आप अपना काम करेंगे, और इन लोगों के लिए बेड भी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक भी बेड है नहीं। और भाई अब ठीक है, अपना एक इधर बन जाएगा, माइनिंग की अब अपने को ज़रूरत ही नहीं है, अपना और आता रहेगा भाई, ये सही हो गया। अभी देखते हैं गाइस इसका यूज़ करते हैं, एंड भाई अपने काम पे लगे हैं या नहीं, फोकस फोकस करो फोकस भाई। ये एक अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे रूसो, बाकी टॉम्बेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मैं इनसे इंप्रेस हुआ। बाकी ये लोग पता नहीं क्यों अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनके पास इसके पास तो सैडल भी है, देखो ये 17 लेवल वाला है, इसके पास सैडल है पर पता नहीं आज नखरे दिखा रहा है यार। तो गाइज ये है 17 लेवल वाला, इसको मैं अपने पास रखता हूँ, और देखते हैं क्या इसके पास सैडल नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो इसको देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, सैडल तो है भाई तो ये कर क्यों नहीं रहा, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही भाई। एक मिनट गाइज देखना पड़ेगा, इसके पास सैडल है फिर भी ड्रामे कर रहा है, अलग बात है भाई।
इधर जाओ ना। आई थिंक इनके पास बेड वगैरह नहीं है इसलिए नखरे दिखा रहे हैं, तो चलो इनके लिए बेड वगैरह बना देते हैं, और ताकि इन लोग नखरे ना दिखाएं भाई, अपने काम करें। ये रहा बेड, बेड के लिए फाइबर चाहिए। तो गाइस मेरे को 2 मिनट देना, मैं फाइबर वगैरह कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट क्यों करना भाई, अब तो डायरेक्ट भाई सिंपल है भाई, इस अपने बेस से उस बेस में जाओ मस्त भाई। अब तो सिंपल है भाई, फाइबर लेके आना है, इनको काम पे लगाना है। अब भाई काफ़ी इजी हो जाएगा, अपन लोग ये वाला बेस और जगह चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये वाली जगह ना इतनी अच्छी है नहीं। बाकी आप लोग सजेशन देना कि कहाँ अपन लोग बनाएं। बाकी मैं इधर से फाइबर ले जा रहा हूँ, लेदर है, लेदर की जरूरत नहीं है, मेरे को फाइबर चाहिए। ओके गाइस अभी बेड बना लेते हैं, बेड मैं इधर बना दूंगा एक साइड से, ठीक है, ताकि ये लोग यहाँ पर आके सो जाएँ। एंड एक बेड से होगा नहीं, तो मैं 2-3 बेड बना देता हूँ। 6 हैं वैसे तो, मेरे को 6 बेड बनाने पड़ेंगे, 2 बेड से कुछ। अरे भाई यार लकड़ी, लकड़ी 1 मिनट होनी चाहिए यार, ये लोग लकड़ियाँ तोड़ तो रहे हैं बेचारे। देखो भाई ये लोग अपने आप और तोड़ रहे हैं। अब ना एक गैदरिंग वाला पाल और यहाँ पर अपन लोग बुला लेते हैं, ताकि वो गैदर करता रहे चीज़ें। तो हाँ मेरे को पता है एक बिल्ली है भाई, वो चीज़ें गैदर करती रहती है, तो बिल्ली को बुलाते हैं। गाइस अपनी लैम बॉल भी गैदर करती है, तो मैं ना लैम बॉल को बुला लेता हूँ, ताकि लैम बॉल ना गैदर करके दे। भाई लैम बॉल गैदर कर रही है या नहीं भाई, ये तो काम करने लगी है, इसीलिए मेरे को लैम बॉल बहुत ज़्यादा पसंद है यार। देखो 2 मिनट में आते हुए भाई काम करना स्टार्ट भी कर दिया, लैम बॉल कमाल है भाई। लेकिन लैम बॉल ना काम करने में इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब मेरे को ये देखना है कि ये गैदर करेगी या नहीं चीज़ें, बस ये देखना है मेरे को। देखने दो गाइस क्या ये चीज़ें गैदर करेगी, आई होप गैदर करना चाहिए। फिर मैं 2-3, हाँ भाई गैदर कर रही है भाई, अभी देखते हैं गाइस कितना हो जाएगा, ठीक है। यस भाई गैदर कर रही है भाई, ये रूसो का अटाके मैं यही कर बोलो। अरे बेकार है यार, ये टॉम्बेट लेके आऊँगा गाइस, टॉम्बेट बढ़िया है भाई, वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, पता है रात में भी काम करेंगे ये। फिलहाल अपना टारगेट है ये बेड वगैरह बनाने का, तो जल्दी से मैं बोर्ड वगैरह काटता हूँ और बेड बना लेते हैं, फिर आप दोस्तों से मिलते हैं। 2 मिनट देना गाइस। गाइज नई जगह हम लोग आए नहीं, और यहाँ पे एक रेड हो गई है, यहीं हुई है ना, हाँ भाई यहीं पे रेड आई है। अभी इनको बताता हूँ, इनको लग रहा है अपने पास कोई है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ डायर हाउल है। बट यहाँ पे पावरफुल पावरफुल मतलब ये लेवल 1 का है, बाकी कोई लेवल 1 का नहीं है। देखो भाई ये टॉम बैट है, और ये अपनी इसका नाम क्या है, डायनोसम, डायनोसम है भाई। इनकी बैंड बच जाएगी ना, पता नहीं है भाई, लेकिन ये लोग कमजोर है, ये लोग ज्यादा पावरफुल नहीं है। आन दो इन लोगों को, इनको हम लोग बताएंगे भाई। बाकी मैंने देखो अभी रूसोर को नहीं रखा, क्योंकि पता नहीं ये लोग हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे। बाकी अपन लोगों ने कल ये नया वाला टीम किया था, ये भी हार्वेस्टिंग में अच्छा है, तो इसको भी मैंने बुला लिया। खाने के लिए मैंने इधर इनका ये बास्केट रख दिया है, और अभी आने दो रेड वालों को, आने दो रेड वालों को, बताता हूँ। पहले मैं कुछ खा लेता हूँ भाई, खाना चलो बाद में खा लेंगे गाइस, लेकिन पहले इनको मत है गाइस, इनको मत है नहीं भाई, ये भागने वाले हो गए भाई। लेकिन इनका लेवल अच्छा है, मैं कैच करूँगा भाई, इनका लेवल अच्छा है, इनको कैच। अरे ये भाग क्यों नहीं है भाई, ओ भाई क्या किसके लिए आए हो, चलो ये आ तो रहा है भाई, ये बेचारा रोके जाएगा भाई, मार दिया। अरे नहीं यार मारो नहीं, मैंने डाला था यार पालिस पर, एक बेस्ट करवा दिया, बट कोई नहीं पालिस पे तो आते रहेंगे। बाकी अपसेट एंड नॉट विलिंग टू डू एनी टास्क, आई थिंक मेरे को वो और बनाना चाहिए अपना, क्या होता है, कहाँ गया अपना, यस हॉट स्प्रिंग बनाना चाहिए, जिसके लिए मेरे को फ्रेगमेंट चाहिए, फ्रेगमेंट चाहिए। एक मिनट, मैंने कोई वाटर का बुलाया है यहाँ पे, चलो वाटर वाला है, तो अपन लोग यहाँ पे व्हील भी बना लेते हैं, और ये रहा अपना व्हील भाई, ये पता नहीं कितनी देर में जाएंगे। चलो मैं जाता हूँ अपने दूसरे वाले बेस पे, और अपन लोग फ्रेगमेंट लेके आते हैं भाई, ये सही, अपन लोग फटाक से ट्रांसफर मतलब फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, ये अपने लिए काफ़ी ईजी है भाई। अब यहाँ से फ्रेगमेंट लेके जाने हैं, वहाँ पे मेरे को बनाना है, तो हाँ फ्रेगमेंट ले लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं गाइस। 2 मिनट देना। ओके गाइस तो मैं जल्दी से लेके आ गया हूँ, अभी अपन लोग फटाक से बना लेते हैं, अपन लोगों को बनाना है, कहाँ गया ये रहा ऑटर स्प्रिंग बनाना है, जिसके लिए स्टोन की कमी पड़ेगी, स्टोन तो यहीं कहीं मिल जाएंगे भाई, स्टोन तो बढ़ते रहे भाई, अगर मैं यहाँ जाऊँगा, चलो ये तो और है, स्टोन भाई यहाँ पे बहुत मिल जाते हैं, तो हाँ देखो स्टोन ये भी डले हुए हैं, तो स्टोन अपन लोग ले लेते हैं, थोड़े से स्टोन देना भाई। अरे और क्यों उठा रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकना गाइस, स्टोन उठाते हैं फिर बनाते हैं। ओके गाइस मैं थोड़ा सा स्टोन लेके आ गया हूँ, अब फटाक से हॉट स्प्रिंग बना देते हैं, ताकि ये लोग थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करें, यहीं पर हॉट स्प्रिंग बना देता हूँ है ना, बच्चों थोड़ी सा रेस्ट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं
भाई ये देखो, ये नया वाला यार पल मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अपना काम भी करता है, माइनिंग में भी अच्छा है। तो भाई ये अच्छा है भाई, देखो ये तीनों आ गए टिकुर टिकुर, ये तो है ही बहुत ज्यादा क्यूट भाई। अब अपना ये हॉट स्प्रिंग बन गया, तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा रेस्ट कर पाएंगे। मैं हॉट स्प्रिंग और बना लूंगा भाई। ये जगह मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही है बेस पे, है ना, बेस की जगह, मतलब ऐसा एज अ बेस ये जगह मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी। बाकी अपन लोग देखते हैं कितना और आ गया, 72 इस पे, और पुराने वाले में कितना वो भी देख लेते हैं भाई। काफी मस्त है, अब मेरे को फौज वगैरह भी यहीं पे बना लेना चाहिए। 68 इस में भाई, 150 कब हो गया पता भी नहीं चला। फौज देखते हैं, फौज के लिए क्या क्या चाहिए, फौज भी बना लेते हैं भाई आज ही। भाई फौज के लिए हमें थोड़ा सा स्टोन और फ्लेम और ऑर्गन चाहिए, तो जो हम लोग दूसरे वाले वाले बेस से लेके आते हैं, जल्दी से बनाते हैं। गाइस अपने पुराने वाले बेस पे रेड हुई है और कोई नया वाला पल आ रहे हैं भाई, इनको तो मैं कैच करूंगा भाई, ये मस्त लग रहा है मेरे को। टोटो को टोटो भाई, जो भी नाम है इनका, इनको कैच करेंगे। बस ये मेमत बीच रास्ते में आ गया, मेमोरोस्ट, इसके बैंड बजाता हूँ मैं। अरे अपने पास फायर टाइप है ना, मैं अपने फायर फॉक्स को निकालता हूँ, वो मस्त है यार। उसको मैंने शायद वो दे दिया क्या, नहीं यार वो नहीं दिया। वो एक बार उसकी गन बन जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। फिलहाल इसको बताते हैं गाइस, इनको बताते हैं, आन दो आन दो। मैं अपने डायर हॉल को निकालता हूँ, अब इनको बताते हैं भाई हम लोग हैं कौन, हम लोग हैं क्या, मजाक समझ रहे थे क्या आंटी। ये लोग तो ऊपर ही नहीं आ पा रहे, क्या रेल लड़ोगे भाई, क्या रेल लड़ने आए हो भाई, ये तो नीचे अटके हुए है भाई, मजाक चल रहा है क्या ये भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मजाक चल रहा है क्या भाई, मेरे को लग रहा है मजाक करने आए हैं ये लोग, लोगों को पता भी नहीं है रेल क्या होती है भाई। यार इसका तो बैंड बज गया 4%, भाई मजाक मत करो यार, इतने पावरफुल हो यार, 4%। ओ नहीं 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 डालने दो डालने दो भाई, नहीं यार वो वाला कहाँ है, दूसरा वाला, दूसरा वाला मेरे को दिख नहीं रहा, मार दिया वो भी भाई। टीम कहीं नहीं पाए, इसके फेदर मिले हैं और गन पाउडर मिला है, नाइस। गाइस अपन लोग यहाँ पे आए हैं तो देख भी लेते हैं इस अंडे में क्या निकला है भाई, प्लीज कोई अच्छा सा पाल आ जाएगा गाइस, मजा आ जाएगा, प्लीज देखते हैं क्या मिलेगा अपन लोगों को, देखते हैं। ओके ब्रिस्टल मिला है, जो कि ब्रिस्टल ला मेरे को काफी अच्छी लगी भाई, थोड़ा सा यू नो यूनिक पल है वो, तो फिर अच्छी लगती है। बाकी यहाँ से निकलते हैं, और इससे निकलने से पहले ना एक और अंडा अपन लोग हैच करने पे लगा देते हैं। ओके गाइस, तो हैच करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक वाला एग लगाने वाला हूँ भाई, ये वाला, इस वाले में तो कुछ अच्छा मिल जाए मज़ा आ जाएगा। फिलहाल अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अपन लोगों को फाइनेंस बनानी है वहाँ पे, तो चलो यहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे फाइनेंस भी बना देते हैं ताकि अपना मेटल का काम मस्त होए ना। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग नए वाले बेस पे आ गए हैं, अभी जल्दी से मैं फाइनेंस बना देता हूँ, और ये रहा फाइनेंस, फाइनेंस पास में बनाते हैं ताकि इन लोगों का काम चलता रहे ना। यहाँ पे मैं फर्नेस बना देता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, और बाकी ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं और रेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये सही है भाई, ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं भाई। ये वाला मेरे को नया वाला पल काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको और टेम करके लेके आने, और टॉम्बेट में पता है यहाँ पे सारे के सारे टॉम्बेट लेके आऊँगा, क्योंकि टॉम्बेट के बिना नहीं हो पाएगा भाई, टॉम्बेट काफ़ी अच्छे हैं भाई, क्योंकि वो टॉम्बेट ना जो माइनिंग होती है उसमें भी काफ़ी अच्छे हैं। मैक्स कर देते हैं, ओ भाई 73 भाई, पता भी नहीं चला कब 73 हो गया, अभी तो कितने सारे और है भाई, मस्त है भाई अपना ऑटोमेटिक मेटल फार्म, काफ़ी मस्त लगा। अरे हाय ये कितने मजे से मुझे ले रहे हैं भाई, वाह यार कितनी क्यूट लग रही है भाई, मैं भी आ जाऊँ साइड में होना लैम्बोल भाई, हम लोग नहीं नहा सकते, ये गलत बात है, ये रेस्ट कर रहे हैं भाई, रात को भी थक जाते हैं भाई। ठीक है भाई, ये थक गया भाई, इसको कुछ देना पड़ेगा क्या, इसको क्यों बीमारी हो गई क्या ना, अपसेट एंड बेंड टू बेड, कोई नहीं गाइस थक गया बेचारा रात में भी मेहनत करते, दिन में भी मेहनत करते तो थक जाते हैं गाइस, समझा करो भाई, बंदा दिन में भी मेहनत कर रहा। ओहो भाई साहब क्या पल है भाई, ये सारे काम कर लेते हैं बंदा, माइनिंग भी कर ले भाई, हमारे साथ काम भी करा दे, और ये भी कर रहा है यार। और मैं एक फायरफॉक्स और यहाँ पे बुला लेता हूँ, क्योंकि फिर आसानी होगी भाई, अकेला बंदा कर रहा है वो सही नहीं है, एक फायरफॉक्स बुला लेते हैं इधर, और भेजने वाला तो मैं रूसर को ही, क्योंकि रूसर कुछ काम नहीं कर रहे। फायरफॉक्स आइए, अभी इसको उठा के लेके जाता हूँ, इसको यहाँ पे रख दूंगा ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा काम करें, चलो काम करो। अरे एक ही बंदा करेगा क्या, आई थिंक एक ही बंदा एक बार में करता है, ये बात तो गाइस, ये तो मस्त चल रहा है भाई अपना। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही, आज हम लोगों ने फाइनली अपना ऑटोमेटिक मेटल का फार्म बना लिया, जो कि काफी ज्यादा कमाल है। थोड़े टॉम्बेट और लेके आने, अभी तो बहुत सारे पल देखने हैं जो मस्त मस्त अपने इस फार्म में काम करेंगे। बाकी मैं इस फार्म में ये ऐसे ही पल रखूंगा जो ये सारे काम करेंगे हम माइनिंग वगैरह के। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि नेक्स्ट वाला एपिसोड होने वाला है काफी मजेदार, उसमें ना आप लोग नए नए पल्स ढूंढने जाएंगे और पावरफुल। अब तो अपना लेवल भी 19 हो गया है, और मैं ट्राई करूंगा 21 22 हो जाए, तो भाई
भाई बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। और गाइस लाइव स्ट्रीम में हम लोग खेलेंगे इसको और हम लोग नए नए पल्स को ढूंढेंगे, उनको टीम करेंगे और अपनी टीम पावरफुल करेंगे। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही, वेल द नेक्स्ट एपिसोड में बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अंकल क्या हाल चाल, याद तो हूं ना मैं, आओगे पीछे आ जाओ।